साथियों, आज का हमारा जो ब्लॉग है वो है डेमाली का। अपने ब्यावर में काफ़ी प्रसिद्ध जगह है डेमाली देवजी महाराज का, और वहाँ पे हम आए हुए हैं और आज आपको दिखाएंगे डेमाली के अंदर क्या क्या देखने के लिए हैं। जैसे हम पहुँचते हैं आपको जरूर दिखाते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो जो देव जी भगवान को प्यार करता है वो कम से कम 10 लोगों को तो व्हाट्सएप करें ही करें। देव जी महाराज के मंदिर देवमाली, प्रसादी वर्सादी बनावे। साथियों, अब हम पहुंच गए हैं डेमाली देवधनी दरबार, देव नारायण भगवान के यहाँ पे। देखते हैं, काफी भीड़ लगी रहती है एनी सीजन। यह है सीढ़िया, काफी ऊंचाई पे है, चारों तरफ पेड़ पहाड़। ये जो जो मूर्तियां सब देवजी महाराज की कथाओं से जुड़ी हुई है। सीढ़िया ही सीढ़िया। ये देव जी महाराज और उनकी कथाओं से जुड़ी हुई मूर्तियाँ। ये रास्ता, और ये चट्टान, सामान वामान रखने के लिए।
ऊपर हो ने गेट की डिजाइन दे माला सारी ढूंढ रहा नहीं जो मैं तो देव बाबा हां कमेंट बटन बोला यार और यहाँ पे ऊपर चढ़ गए ये देवनारायण भगवान की खाता हो को दर्शाया हुआ जो कलाकृतियाँ हैं वो इनसे जुड़ी हुई इनकी जीवन से जुड़ी हुई है। ये यहाँ पर कुछ मंदिर बंद है इधर ऊपर चलते हैं ऊंचाई में पहाड़ी में एक और मंदिर ये आ गए भाई ऊपर मंदिर के टॉप पे देव जी महाराज की माता जी ये देव जी महाराज और ये सामने दिखता हूँ मसूदा फेरगट शेर गांव मसूदा ये देव जी की माता जी साडू माता जी ने दूध पिलाते हुए काफी ऊंचाई पे बसा हुआ है और ये जो गांव है पूरा कच्ची बस्ती जैसा है कच्चे मकान ये देखो मिट्टी के मकान जैसा लगता है जैसे आजादी से पहले आ गए हम मगर ये आज का समय का है ये देखो पूरा गांव ऐसा कच्चा सिर्फ और सिर्फ जो पक्के हैं वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट नहीं आंगनबाड़ी बाकी कोई पक्का नहीं आता या तो बाबा का मंदिर है या फिर स्कूलें वगैरह ये पक्की है काफी हरा भरा काफी हम देव महाराज के मंदिर देवमाली
ये मेरे पीछे इनकी माता जी, इन्हें दूध पिलाते हुए। और गांव देखो आप, पूरा गांव कच्चा, ऐसा लगता है जैसे आज़ादी से पहले आ गए हम। हिंदुस्तान जो पुराना हिंदुस्तान था, वैसे दिखाया जा रहा, जूम करके दिखाता हूँ आपको। कच्चे मकान, देवमाली गांव, इसका पूरा नज़ारा दिखाता हूँ मैं। कच्चे मकान, ये इनकी परंपरा को दर्शाते हैं। यहाँ बाबा के जो मंदिर है, इसके अलावा और भी कुछ पक्का नहीं है। या तो सरकारी स्कूलें वगैरह मिलेगी या मंदिर मिलेगा, बाकी सारे कच्चे मिट्टी के मकान। पूरा गांव एकदम हरा भरा, देखो हरा भरा। चढ़ाई कौन, जो लोग मन्नत मांगते हैं उनकी पूरी होने पे ऐसी कुछ रिवाज है। क्लिप, रबड़ बैंड, ये फ्रेंडशिप बेल्ट जैसा कुछ ना कुछ बांधते रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ से वापस अब नीचे की तरफ चलते हैं। ये देखो पहाड़िया, पहाड़िया देखो, पूरी पहाड़ियों पे बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी, कितना सामान कैसे ऊपर लेके आए होंगे। इसके अलावा बावजूद ये देखो लाइट और ऊपर, ये पहाड़ी, कितना बड़ा पहाड़ है। यहाँ पे है देव जी महाराज का मंदिर, इधर रास्ते से जो अभी आपने पहले वीडियो में देखा होगा। और अब हम नीचे का वीडियो शूट करेंगे, अब नीचे की तरफ चलते हैं। देखते हैं भाई, अब नीचे उतरेंगे, नीचे और भी कुछ देखते हैं क्या क्या है, दिखाएंगे आपको। बाकी इनकी गुजर समाज की संस्कृति को दर्शाता है। और ये लोग इनके रूल्स को फॉलो भी करते हैं, सभी लोग कच्चे मकान में रहते हैं। ढोकड़े का पेड़, ये लोग मन्नत के धागे, रबड़ बैंड वगैरह बांधते रहते हैं, जिनकी जो मुरादें पूरी होती है वो यहाँ पर बांधते हैं। इधर से नीचे की तरफ ये देखो, यहाँ पे देव जी महाराज शेरनी का दूध पीते हुए, देखो शायद आपको क्लियर दिखेगा नहीं दिखेगा, ये शेरनी ये दूध पी रहा, ये इनकी माता जी। ये जो घटनाएं है, ये जो चित्र है, ये इनकी लाइफ को दर्शाते हैं कि वो कैसे बड़े हुए और कैसे अपनी जन्मभूमि पर पहुंचे। क्या है इधर और आपको दिखाता हूँ, ये भैरव जी महाराज का मंदिर। कांटे वाटे यहाँ पर शायद कोई आता नहीं है, कम आता है इसलिए कांटे वाटे। ये शायद इधर से ऐसे ऊपर मंदिर में जाने का रास्ता है, बट जो एक चीज आपको क्लियरली दिखाना चाहूंगा, ये देखो
ये जो शेरनी के दूध पीते हुए, ये इनकी माता जी। इस तरफ एक और मंदिर है, देखते हैं वो क्या है। यहाँ पे कुछ सुरंग जैसा देखो, काफी पूरी चट्टान के अंदर मंदिर है। और ये देखो पूरी चट्टान को बीच में से मंदिर जैसा और सुरंग जैसा। ये वापस बाहर निकल गए। ये और मंदिर ये भूणा जी महाराज। यहाँ से भी काफी शानदार नजारा, कारीगरी देखो आप कितने तरीके से की हुई, पत्थरों में कलाकृतियां। उसके बावजूद ये देखो तालाब वालाब एकदम प्राकृतिक सुंदरता से भरा पूरा है डेमाली का। लगेगा जैसे आजादी से पहले वाले गांवों में आ जाते हैं ना कच्चे मकान, वैसे याद आएगी आपको। जब भी मौका मिले आप जरूर देखिएगा, आपको काफी मजा आएगा देखने के लिए। तो ये थे यार दोस्तों देवजी महाराज का स्थान। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके लिए और भी बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेके आते रहेंगे। और जो भी इंसान देवजी महाराज से प्यार करता कम से कम 10 लोगों को तो शेयर करे ही करे। ये पूरा नजारा और देखता हूँ, यदि नीचे और कुछ आएगा तो आपको जरूर दिखाएंगे। पूरा पहाड़ी पे बसा हुआ, कितना खर्च लगा होगा, कितनी मेहनत लगी होगी इतनी ऊंचाई पे सामान पहुँचाना, सीमेंट पानी, कितनी हार्ड वर्क है। ये है रास्ता नीचे उतरते वक्त कुछ इस प्रकार के दृश्य। ये हिरण वगैरह, एनी टाइम यहाँ पे पर्यटक आते रहते हैं। और ये शिवजी महाराज, ये देवजी महाराज की तपस्या वगैरह की थी, किस प्रकार को दिखाया हुआ है यहाँ पे। ये इनके गुरु माता जी, इस प्रकार थे देव जी महाराज की देव माली। कम से कम आप 10 लोगों को तो शेयर करें ही करें, आपके लिए और भी बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेके आते रहेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए बहुत सी रोचक जानकारियाँ लेके आते रहेंगे। जय देव जी महाराज, जय राजस्थान,
जय ब्यावर।